उग्रवादी हाय हाय 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 पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय उग्रवादी हाय हाय उग्रवादी हाय हाय उग्रवादी हाय हाय उग्रवादी पाकिस्तान 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 हाय हाय मुफ्ती हाय हाय सलाउद्दीन हाय हाय सलाउद्दीन हाय हाय सलाउद्दीन हाय हाय सलाउद्दीन हाय हाय पाकिस्तान 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 हाय हाय सलाउद्दीन हाय हाय मुबा मुफ्ती हाय हाय मुबा मुफ्ती हाय हाय मुबा मुफ्ती हाय हाय सलाउद्दीन हाय हाय सलाउद्दीन हाय हाय सलाउद्दीन हाय हाय सलाउद्दीन हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय शादी शादी हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय सलाउद्दीन हाय हाय सलाउद्दीन बनाने का हाय 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 पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय हाय पाकिस्तान हाय 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 उग्रवादी हाय हाय उग्रवादी हाय हाय जा रहा है कि कश्मीर में शांति पत्नी को मार दिया गया, लेकिन सवाल बार बार है लोगों पर मारने के उपरांत नहीं नहीं तो वो जो लोग कल पीडीपी में थे उग्रवादी थे, जब आप पार्टी के अंदर गए आम आदमी पार्टी के अंदर वो शुभ में अंतर हुआ ठीक हो गए, जब किसी दूसरी पार्टी के अंदर जाएंगे स्पष्ट हो जाएंगे। लेकिन स्पष्ट मैं ये कहने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये जो उग्रवादी हिंदुस्तान के अंदर है, जो पाकिस्तान के माध्यम से जो लोग उसको चला रहे हैं, जब तक उनका खात्मा नहीं होगा, अमेरिका ने लाडेन को मारा पाकिस्तान के अंदर जा करके, और जब तक सलाउद्दीन और ये सारे नेता इनको वहाँ बिल्कुल मार नहीं देंगे तब तक एक समस्या का हल नहीं होगा। और एनआई के माध्यम से जो 50 ठिकानों के ऊपर छापे मारे गए उसमें तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा है, ये छापे मार करके जो लोग इसके अंदर शामिल हैं वो लोकल लोग लोकल मिलिटेंट हैं, और लोकल मिलिटेंट एनआईए और ये जो पैसे बाहर से आ रहे हैं फंड बाहर से आ रहा है उसके माध्यम से इस सारी मिलिटेंसी को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब तक वो एनआईए के माध्यम से उनका समाप्तिकरण नहीं होगा तब तक ये कार्रवाई नहीं हो सकती है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, कितने हजार हिंदुस्तानी मारे गए लेकिन मारने के बाद उनका नाम पड़ जाता है, ये पीडीपी ये बीजेपी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये लोकल, हिंदुस्तानी मारे गए, हिंदुस्तानी मरने के उपरांत आज उन लोगों को क्यों नहीं मारते जो लोग इसको चलाने का प्रयास करना चाहते हैं, जो टेरर फंडिंग के अंदर शामिल है और टेरर फंडिंग के सपोर्ट करने वाले, चाहे वो महबूबा मुफ्ती है चाहे कोई और है, अरे उसको भी पकड़ करके अंदर करो और उसको भी वही निशाना बनाने का प्रयास करो, जो पाकिस्तान के बंदे बाहर बैठ करके इसका समर्थन करने का प्रयास करना चाहते हैं, चाहे समर्थन करने वाला पाकिस्तान के अंदर है चाहे समर्थन करने वाला हिंदुस्तान के अंदर है, वो भी उतना ही दोषी है जितना ये उग्रवादी दोषी हैं, और उग्रवाद पैदा करने वाला टेरर फंडिंग करने वाले उनका खात्मा करो समाप्तिकरण करो तब जाकर के ये मिलिटेंसी समाप्त होगी, नहीं तो नहीं। धन्यवाद आपका।